और रुक करते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट के विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में आयोजित की गई, जिसमें कुछ अहम मुद्दों में बात की गई है। लेकिन वही जब 2018 में कमलनाथ सरकार बनी थी तो कांग्रेस सरकार में जबलपुर में एक कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें जबलपुर को करीब 3,000 करोड़ की सौगात मिली थी। लेकिन भाजपा सरकार में आयोजित कैबिनेट बैठक में जबलपुर को सिर्फ 409 करोड़ की सौगात मिली है। इस पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने साधना न्यूज से खास बातचीत की है। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी थी तो कमलनाथ सरकार ने पहली बैठक कैबिनेट की बैठक जबलपुर में कराई थी। अब उसी तर्ज में जब भाजपा की सरकार बनी है, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जबलपुर में कैबिनेट बैठक कराई थी। इसी विषय में हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक लखन घनघोरिया जी। सर, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। कल सर कैबिनेट की बैठक हुई, क्या बोलना चाहेंगे? कल कैबिनेट की बैठक हुई तो लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी की सहृदयता को धन्यवाद देना चाहिए, और हमने धन्यवाद दिया भी कि जबलपुर को आपने अपनी प्राथमिकता में गिनाया। लेकिन इसके पहले जब जबलपुर में कैबिनेट बैठक हुई थी तो 2900 करोड़ के कामों के, निर्माण कार्यों के, विकास कार्यों के भूमि पूजन और शिलान्यास हुए थे। कल पढ़ के लगा के 409 करोड़, जो ना काफी है। यदि हम प्राथमिकता में गिना रहे जबलपुर को तो फिर जबलपुर के साथ न्याय भी करें, हम अपनी प्रतिबद्धता भी तय करें कि हाँ, जबलपुर के साथ हमेशा उपेक्षा का दंश हुआ है। पिछली 3.5 महीने की जो सरकार थी माननीय शिवराज सिंह जी की, एक भी मंत्री जबलपुर से नहीं दिया था। इस बार जबलपुर से मंत्री दिया, वो अलग बात है कि तुलनात्मक रूप में कमलनाथ जी खुद महाकौशल के थे मुख्यमंत्री, और महाकौशल से विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति थे, विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे थी महाकौशल से थी, और एक नहीं पांच पांच कैबिनेट मंत्री थे महाकौशल से। अभी तो 4 दिए हैं कैबिनेट मंत्री दिए हैं, 4 अच्छी बात है, 4 कैबिनेट मंत्री दिए। लेकिन जबलपुर के साथ और जबलपुर संभाग के साथ कम से कम उपेक्षा का दंश लोगों के दिलो दिमाग से हट जाए, इसके लिए उनको सिर्फ प्राथमिकता में गिना के औपचारिकता नहीं निभाना चाहिए, बल्कि हकीकत की जमीन पर काम करके दिखाना चाहिए। आपने शिवराज सिंह जी का भी कार्यकाल देखा है, अब मोहन सरकार का भी आप कार्यकाल देख रहे हैं, इन दोनों कार्यकाल में क्या आपको लगता है कि क्या बेटर था मध्य प्रदेश के लिए? जबलपुर की हम बात करें तो बेटर तो जबलपुर के लिए ना सरकार में था, और अभी तो चूंकि नई है तो अभी देख तो ले, किसी के लिए कोई भी एक पहले से इमेज बना लेना ठीक नहीं। हाँ, लेकिन जो स्टार्टिंग का दिन दिखा है उसमें थोड़ा निराशा जरूर हुई है कि 409 करोड़ के काम तो ये रोजमर्रा के काम है, नगर निगम के अमृत योजना और नगरी निकाय की सड़कें, ये तो सब वैसे भी होते हैं, तो इसको बहुत बड़ी सौगात के रूप में यदि मुख्यमंत्री गिना रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ औपचारिकता की थी उन्होंने कैबिनेट बैठक की औपचारिकता आप बोल रहे हैं। जैसे 2018 में आप भी मंत्री रहे, कमलनाथ सरकार ने 2900 करोड़ समथिंग जबलपुर को मिला था, यानी जबलपुर अकेले की बात करें तो 2900 करोड़ मिला था। जैसे कल जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री जी ने, सिर्फ एक फ्लाईओवर की सौगात देके गए हैं जो अभिलाष पंडे उत्तर मध्य, वो जो दीनदयाल से बनना था, उस पर क्या बोलेंगे आप? मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का स्वतंत्र अधिकार है कहाँ क्या बनाना, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये भी देखना चाहिए कि आवश्यकता कहाँ ज्यादा है, उनकी प्राथमिकता में कौन सी चीज हो सकता है, उनके अपने पार्टी के जनप्रतिनिधि पहले हो, अच्छी बात भी होना भी चाहिए। लेकिन पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के उपभोग के लिए होना चाहिए, हम टैक्स के रूप में वसूल करते हैं, जहाँ चाहे आप बना ले, आपकी सरकार है। बहुत लंबे समय से हाई कोर्ट से लेके
तहसीली चौक से लेके अब्दुल हमीद चौक तक का फ्लाई ओवर ब्रिज जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई थी, और बहुत घनी बस्तियों को वो प्रभावित करता है। जबलपुर की हर व्यवस्थाओं को देखे तो धार्मिक से लेके कानून व्यवस्था तक सारी चीजों को प्रभावित करता है। तो हमारा मानना था कि मुख्यमंत्री जी को दलगत राजनीति से हटके इसको भी लेना था, पहले भी चूंकि प्रसाद की स्वीकृति हो गई, और इतना कर देना चाहिए था हमको। यदि जबलपुर से वास्तव में उनकी अच्छी भावनाएं जुड़ी हैं, कमलनाथ जी ने 29, हमने कल अपने बात रखी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, पहले तो हमने स्वागत किया उनका कि आपने सहृदयता दिखाई है, लेकिन जो 2900 करोड़ के काम उस समय सैंक्शन, भूमि पूजन और लोकार्पण हुए थे, वो काम जो लंबित पड़े हैं उनको आप आगे बढ़ाएंगे तो हम और हृदय से आपको धन्यवाद देंगे, साधुवाद भी देंगे। कल कैबिनेट पर रानी दुर्गावती जी के जो कार्यकाल है उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है उस पे। कल मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री ने 3 नाम गिनाए थे, मैंने उनके भाषण सुने, और वो 3 नाम में एक रानी लक्ष्मीबाई का भी था। अब हम लोगों ने तो बचपन से सुना है, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और हमारे शहर की कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता है, और पाठ्यक्रम में तो थी। तो ये कहना कि पाठ्यक्रम में ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, तो बड़ा अजीब लगता है। इतने अच्छे पद पे बैठ के, गरिमापूर्ण पद पे बैठ के कोई इस तरीके की बातें करे। पाठ्यक्रम में रानी दुर्गावती का इतिहास कौन नहीं जानता, उसको किसी पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पाठ्यक्रम में रखा है, इसका ये मतलब नहीं कि पूर्व की सरकारों ने उनको तरजीह नहीं दी। जैसे हम बात करें चार बड़े महानगरों की, तो भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर स्टेप से आते हैं, तो जैसे अब इंदौर की बात करें तो इंदौर में लगातार हम देख रहे हैं, तो इंदौर में जो चीजें हैं बढ़ती जा रही हैं, और जबलपुर वहीं पिछड़ता जा रहा है। 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी तो जबलपुर को बहुत कुछ मिला था। अब जबलपुर पहले अपेक्षा का दंश ये था कि जबलपुर में भी भाजपा सरकार में मंत्री नहीं थे, अब मंत्री भी बन गए, तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप? ये तो निर्भर करता है हमारे मंत्री जी की क्षमताओं पे कि वो जबलपुर को जबलपुर का कितना हक दिला पाएंगे, ये तो उनकी क्षमताओं पे निर्भर करता है। ये सच बात है कि इनकी प्राथमिकता में महाकौशल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में महाकौशल नहीं है। वो तो चूंकि चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव का, और बड़ा लगभग बराबर बराबर सीटें आई हैं विधानसभा में महाकौशल में, तो उनको लगता है कि महाकौशल में 17-18 सीटें कांग्रेस को मिल गई, तो कहीं ना कहीं एक भय जो है कि महा, इसलिए ये महाकौशल को एक प्रलोभन टाइप का भी दे रहा है, लेकिन हमको लगता नहीं, क्योंकि इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा जबलपुर, या जबलपुर संभाग या महाकौशल। अंतिम सवाल, केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को गिनाने के लिए विकास यात्रा निकाल रही है जो हर गांव हर शहर में जा रही है, इस पे क्या होगी? देश में 13 प्रधानमंत्री पहले हुए हैं, और उन 13 प्रधानमंत्री के कार्यकाल जो रहे हैं उनमें मात्र 56,000 करोड़ का कर्ज था, और इन 10 साल में वो बढ़ के 56,000 करोड़ से 256,000 करोड़ था, 56,000 बोला मैं तो, 56,000 करोड़ था। इन 10 साल में बढ़ के मोदी जी के शासन काल में वो बढ़ के 205 करोड़ हो गया कर्ज, मतलब हम देश का हर व्यक्ति 1.5 लाख रुपए के कर्ज में डूबा है। तो अब इसको आप विकास कहेंगे क्या कहेंगे? योजनाएं जब पैसा नहीं होगा तो कागज में रहेंगी, कागज में मर जाएंगी। अभी जैसे हो रहा मध्य प्रदेश सरकार का बजट, हमने देखा 38 विभागों में रोक लगी है वित्तीय भुगतान के लिए। जब वित्तीय भुगतान नहीं होगा तो योजनाएं वहीं सरपटक के मर जाएंगी, और सारी योजनाएं वैसे ही पड़ी हुई है, ना तो किसी को कोई पेंशन मिल रही है, तीर्थ दर्शन योजना में रोक लगी है, मुख्यमंत्री समाधान योजना में रोक लगी है,
महालोक परिसर के लिए निर्माण के लिए उसमें रोक लगी है। तो जब सारी चीजों में रोक लगी है तो फिर विकास होगा कैसे? और रोक लगना स्वाभाविक है क्योंकि कर्ज बहुत है। आपके खर्च से ज्यादा, मतलब खर्च से कम आपकी बैंक लोन की लिमिट है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक लखन गौरी जी, जिनका कहना है कि कर्ज के थोड़ा दबे पे सरकार है। मैं रविंद्र सिंह, सरने न्यूज के लिए, जबलपुर।